हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ वी हैव स्पीरो विद अस। तो स्पीरो, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? यार मैं बहुत अच्छा हूँ। इतना बढ़िया दिन यहाँ पे खत्म हुआ है एंड इतना ज्यादा कंपटीशन हमने देखा। ऑफ कोर्स आई एम रियली एक्साइटेड कि कल क्या होने वाला है। गाइस, इतना बड़ा टूर्नामेंट कास्ट करने के बाद भी यू कैन सी हिज एनर्जी। इस एनर्जी का राज क्या है स्पीरो? यार इतना एनर्जेटिक मैं हूं नहीं, वो कैमरा सामने है ना, इसलिए एनर्जी अपने आप आ जाती है आजकल। ओके, सो सबसे पहला सवाल है, सिंस यू सपोर्ट जी सो मच, तो कैसा लग रहा है जी टॉप पे? यार देखो, मैं एक न्यूट्रल कास्टर हूँ, मैं सारी टीम्स को सपोर्ट करता हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम विद जी राइट नाउ। तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, मैंने बहुत सारी टीम्स का स्ट्रगल देखा है, जो जी में पास प्लेयर्स आए उनका स्ट्रगल देखा है, और उनको यहाँ पे देख के ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, सो क्या अब 2024 BGIS का ग्रैंड फाइनल्स क्रिस्टल क्लियर है? नॉट एट ऑल। आई मीन हमारे पास 8 टीम्स हैं, उसमें से कोई भी चैंपियन बन सकता है, सो नो वन नोस। अंडर गॉड्स को आप कोई एडवाइस देना चाहोगे, जैसे यहाँ पर जिस तरीके से टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, जो ग्राइंडिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहोगी? नेवर गिव अप, आई थिंक वही एक एडवाइस है, बिकॉज टाइम लगता है यार इन सब चीज़ों में। आप गेम खेलना सीखते हो, उसके बाद आप tier 3 tier 2 से शुरू करते हो, उसके बाद आप जाते हो आगे। आई थिंक यू आर द बेटर पर्सन टू गिव एडवाइस, बिकॉज आप खेल चुके हो प्रोफेशनली। मैं नहीं खेला हूँ कभी। राइट नाउ मैं अलग प्रोफेशन में हूँ, आई हैव टू आस्क यू क्वेश्चन। नो वरीज, नो वरीज। ओके, सो एक सिंगल अंडरगॉड टीम है जो कि टॉप 5 में अभी बैठी हुई है, तो आपको क्या लगता है क्या वो टीम इस बार का BGIS 2024 का खिताब जीत कर जा सकती है? चांसेस कितने ज़्यादा है? देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, एंड अभी हम उनको अंडरगॉड बोल रहे हैं बिकॉज हम उनको पहली बार देख रहे हैं, बट इस सीन के अंदर वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तभी वो यहाँ पहुँचे हैं। एक रात के अंदर एक दिन रजिस्टर करके वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बहुत सालों की मेहनत लगी है। रेवन ईस्पोर्ट्स को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, जब मैंने करियर शुरू किया था उससे पहले से वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, टाइम लगा है, प्रैक्टिस करी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, आई थिंक वो जीत सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, कि अभी तक टॉप फ्रैगर जी के निंजा बॉय ही हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि कल सारी टीम्स अग्रेसिव खेलने वाली है, जो खासकर नीचे पोजिशन की टीम्स होंगी, तो क्या लगता है क्या कोई और टॉप फ्रैगर अगर बनकर निकल आ सकते हैं? नहीं, निंजा बॉय जीतने वाला। गाइस फुल सपोर्ट है स्पीरो की साइड से निंजा बॉय को, क्यों? मतलब बेसिकली वो जी में इसलिए स्टैट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो बना चुके हैं नंबर 1 और नंबर 2 में। एक बहुत इंक्रेडिबल एफर्ट लगेगा किसी और प्लेयर से कि उनको सरप्राइज कर सके आप। ओके, कितने परसेंट चांसेस है कि कोई टीम कमबैक करके टॉप 3 में आ सकती है, और वो कौन सी टीम है? कमबैक जैसा मैंने कहा, टॉप 8 में से कोई भी जीत सकता है। अगर 9th या 10th टीम को ऊपर आना है तो उनको बैक टू बैक 2 मैचेस करके फर्स्ट हाफ में अच्छे खेलने पड़ेंगे, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो कमबैक पॉसिबल है। मैं आपसे टीम आरू और टीम मोगो के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या आपको क्या लगता है गलतियाँ कहाँ पर ये बड़ी बड़ी टीम्स कर रही हैं? आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास, एंड आई पर्सनली फील के जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई हैं वो अभी इस लॉबी में इतनी तरह काम नहीं कर रही, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई स्टिल फील कि उनमें वो पूरी क्षमता है कि वो भी कम बैक कर सकते हैं। इट जस्ट लाइक कि 3 दिन का टूर्नामेंट, दो दिन उनके खराब हो गए, एंड बैड लक भी एक फैक्टर बन सकता है यहाँ पे। सिंस यू आर अ ग्रेट कास्टर, ग्रेट होस्ट, तो आप अपकमिंग कास्टर के फील्ड में जो आना चाहते हो उनको एक लास्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे? इट्स सिंपल, गेम्स देखो, एंजॉय करो, एंड कास्टिंग सुनो, उनको रिपीट करने की कोशिश करो, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कास्टर क्वेस्ट जैसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते रहो। लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 कौन होगा BGIS का? ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया मैंने, इट्स गोइंग टू बी एक्सपार्क, जीई एंड सोल, इन तीनों को आप शफल कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। क्या लगता है आपको कि कल टारगेट होंगी कुछ टीम्स टॉप की? डेफिनेटली, आज भी मुझे लग रहा था कि कुछ होगा बट हुआ नहीं, बट कल आई थिंक काफी टीम्स टारगेट होने वाली। सो गाइस, दैट वाज स्पीरो विद अस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।